आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने एक खास दोस्त से जिसका नाम है मनप्रीत, और मनप्रीत जो है अमेरिका में ट्रक चलाता है। मनप्रीत आप लोगों को बताएगा क्या लाइफस्टाइल है, क्या इनकम है अमेरिका में जो लोग ट्रक चलाते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, मैं दिल्ली से हूँ। मैं लुधियाना से, पंजाब से हूँ। पंजाब से? पंजाब लुधियाना से। अच्छा, मेरा नाम है कपजीत सिंह गरेवाल। तो आप भी ट्रक चला रहे हो? हम इसके साथ, मनप्रीत के साथ ट्रक चला रहे। भाई टीम है, इंडिया की टीम बनी हुई है यहाँ पे ट्रक चलाने वाली। इंडिया की टीम है, धमाल मचाया हुआ इंडिया वालों ने। तो चलिए आपको दिखाते हैं ट्रक के अंदर का नज़ारा। ये जो ट्रक होते हैं चलता फिरता घर होता है। अभी आपको दिखाते हैं, सब इसमें बेड भी है, सब चीज़ें हैं। अगर आप लंबे ट्रैवल के लिए निकलते हो, होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मनप्रीत आपको दिखाएगा सब चीज़ें। बाकी ये एक बेड, ये है एक बेड नीचे है। वैसे हम नीचे ही सोते हैं क्योंकि एक ड्राइवर चला रहा होता है, एक ड्राइवर लेटा होता है, सो रहा होता है। अच्छा, ऊपर वाले में ये होता है कि हाँ, जब हमने जैसे पार्किंग लगा दी, हमें वेट करना पड़ता है कभी कभी 5 घंटा, 14 घंटे भी, कभी कभी 20 घंटे भी वेट करना पड़ता है। तो हम पार्किंग में लगा के एक बंदा नीचे सो जाता है, एक बंदा ऊपर सो जाता है। यहाँ पे भी एक दे रखा है, यहाँ पे हम यूज कपड़े जो है उसका मतलब एक बैग बना के यहाँ रख लेते हैं जो हमने यूज कर लिए। अच्छा, एक अलग से यहाँ पे इनकी किट रखी हुई है, बैग इनका ये रहा, मेरा बैग यहाँ पे है। एक हमारे ये भी दे रखा है, ये भी बहुत अच्छी दे रखी है। डिस्पोजल ग्लास वगैरह, प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, हमने सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पे रखी हुई है, चटनियाँ वगैरह जो भी आप मतलब है। और ये क्या है नीचे? भाई नीचे आप हमारा ये फ्रिज है, ये तो बड़ा जोर के अंदर है। फ्रिज के अंदर हमने दूध भी रखा है, देसी घी रखा है, लस्सी, रोटियां, सैलेड, पूरा इंडिया वाला काम कर रखा है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फ्रीजर भी है इसके अंदर। सही है भाई, पूरा पूरा एक ही है हमें दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब बैठ के हम यहाँ पे आराम से जैसे एज ए रेस्टोरेंट की तरह हम रोटी खा सकते हैं। और एक ये हो गया, इसके अंदर हमने मतलब की सब कुछ जैसे पेप्सी वगैरह रखनी होती है या कुछ है। ये हमारा गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करा गैस चूल्हा यहाँ से, ये यहाँ से यूँ रखा इसको। ये तो बहुत बढ़िया काम है भाई, यहाँ से किया गैस चालू। चल पराठे बना के दिखा भाई। तो ये भाई चलता फिरता पूरा घर है। और इसमें ये क्या FM लगा हुआ है? नहीं, ये AC का है, ये पीछे बैक। अच्छा, पीछे का AC AC है, AC लगा है, एक उधर AC लगा हुआ है, बाकी आगे AC आपको देख रहे हैं, एक ऊपर, दो ऊपर भी लगे हुए हैं। अच्छा, AC लगा हुआ है पीछे, जब मतलब आप सो रहे होते हो तो इसमें AC चल रहा होता है। इसमें AC चल रहा होता है। एक ये होता है, ये दूसरों में आता है कोई मतलब जैसे बीच में इनबिल्ट लगवाना हो ना, उस चीज का है। जैसे कई लोग होते हैं कि इन्वर्टर लगवा लेते हैं एक्चुअली में, तो यहाँ क्या होता है ये बंद भी कर दो तो इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है। हम यहाँ से ये इसको ऑन करते हैं, ये बंद रहता है तो अच्छा। AC हमारा चलता रहता है इन्वर्टर के ऊपर, मतलब चाहे ट्रक चल रहा है नहीं चल रहा, मत AC चलता रहता है, चलेगा सो रहे हो तो रात को। ये हमारी लाइटें हैं, होटल की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ मनप्रीत ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। उसने बताया जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सोना होता है, तो हम लोग ऐसे ही कर्टन टाइप में बंद कर देते हैं और अंदर पूरा रूम बन जाता है। शहर तेरे दी मार्केट तो लंबे साडे ट्रक। तो अभी मनप्रीत हम लोगों को लेके चल रहा है डिलीवरी दिखाने के लिए। तो मनप्रीत बता रहा है उसके ट्रक में वेजिटेबल्स भरी हुई हैं जो कि कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा लेके आया है 50 घंटे की ड्राइव करके। तो मनप्रीत बता रहा है डिलीवरी के लिए सिर्फ उसका इतना काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना, और इस तरीके की बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे डोर होता है बैक साइड में, तो इस ट्रक को बैक साइड में लगा देते हैं तो बाकी लोग अपने आप सामान उतार लेते हैं। आधे घंटे में हो गया है ऑर्डर कंप्लीट। ये देखिए ट्रक बिल्कुल खाली हो चुका है और डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो ट्रक है खाली नहीं जाएगा कैलिफोर्निया, पहले ही जो मनप्रीत को एक और बुकिंग मिल चुकी है, तो मनप्रीत जा रहा है अपनी नेक्स्ट बुकिंग के लिए जो जा रही है फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया। मनप्रीत बता रहा है कि जब भी ये ट्रक चलाते हैं उनसे पहले इनको सेल्फ इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि ट्रक की सब चीजें सही है या नहीं है। आवाज कैसी आनी चाहिए? बड़ी बड़ी सी आवाज, मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये देखो आप पास में ले जाओ, सारी एक जैसी आवाज आएगी, चारों की एक जैसी आवाज है, चारों तो पंचर होएंगे नहीं। हाँ, एक जैसी आवाज है, उसमें पता लग जाता है कि हमारा पंचर एकदम ओके है। साथ में ये ABS की लाइट है। अच्छा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, बाकी 4-wheel फ्लैशर यहाँ पे भी चल रहे हैं, ब्रेक लाइट चल रही है। ये रीपर है जिसके अंदर हम -10 डिग्री टेम्परेचर भी करके देखा हुआ है,
पूरा बर्फ बना देता है, मतलब ये पूरा जमा देता है अंदर फ्रिज, है ना। अच्छा, ये बाकी ये दो टैंक है फ्यूल के, ये फ्यूल का टैंक भी एक हो गया, कम से कम $750 का हम एक बारी में पेट्रोल, $750 इंडिया का मतलब वही हो गया 40-50 हज़ार रुपए के करीब, है ना, 40-50 हज़ार रुपए का आ जाता है एक ही बार। फ्लोरिडा आए हैं हमने, 2 या 2.5 बार डलवाया होगा मेरे ख्याल से, हमने इतने का मतलब डीजल डलवाया होगा, दो बार मतलब पूरा फुल करवा लो, 2 बार में आ गया। सही है भाई। तो भाई आप लोगों ने ट्रक देख लिया है, तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई कमाई कैसी होती है, भाई कमाई कैसी है। कमाई हमारे मतलब कि कम से कम भी सब कुछ कट पिट के हमें $1500 पर मतलब कि राउंड का मिल जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार बच जाता है, मतलब महीने के 5-6 हज़ार डॉलर आराम से बच जा रहा है एक बंदे के $5,000 तो बनने, मतलब $5,000 इंडिया के कितने हो गए, मतलब 3-3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख। तो भाई एक यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है आराम से 3.5 लाख रुपए कमा लेता है अमेरिका के $5,000, और कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, भी ज्यादा उस राउंड के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, वो कहते हैं बैक टू बैक लगा दो तो हमारे एक राउंड और हो जाता है, उसके हिसाब से हमें 7,000 बन जाता है कभी। अच्छा, तो भाई देख लिया, आप लोग पूछ रहे थे कि कितने पैसे बनते हैं, तो अब आप लोगों को पता चल गया है। कभी आना चाहते हैं अमेरिका में ट्रक चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, फैसिलिटी पूरा घर जैसा है ना वीर जी। बिल्कुल घर जैसा ही। एक चीज बता, मतलब जैसे इंडिया में जो लोग ट्रक चला रहे होते हैं और यहाँ पे चला रहे होते हैं, कितना मतलब डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हम एसी में रहते हैं, हमारा देख लो अभी भी ट्रक चालू है, 3 दिन से चल रहा है। अभी हम ओके आए हैं, घूम के आए हैं, सारी जगह घुमा के लगे हैं भैया, अभी हमारा ट्रक चल रहा है, चालू है। अच्छा, एक और चीज बताओ, अमेरिका आपको मतलब कैसा लग रहा है, यहाँ पे रहने में मजा आता है, नहीं आता? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है एकदम। मतलब कोई कंप्लेंट है यहाँ पे रहते हुए? कंप्लेंट यहाँ पे कोई भी ना, ट्रैफिक की कंप्लेंट है ना पुलिस वालों की कंप्लेंट है, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि अभी आप कैसे चला रहे हो, कैसे नहीं, अपने पेपर दिखाओ। जब आप कोई मिस्टेक करते हो तब आपको बोलते हैं कि हाँ अभी आपने ये मिस्टेक करी है, अब आप दिखाओ। कभी घंटे 3,000 कट देने, प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाता ना यहाँ पे, मतलब वो भी नहीं कहते, मतलब कोई वो रिश्वत नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब आराम वाली लाइफ है। तो ये आप लोगों पूछ रहे थे, तो मैं सोचा चलो इससे एक वीडियो बना देते हैं, तो चलिए अब इन्हीं के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ भाई, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग अपने ऊपर बिलीव करें, जैसे तुम लोगों ने बिलीव किया कि भाई यहाँ के कुछ कर सकते हो और कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना मत भूलिए, फिर दोबारे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। करना जी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और चलिए बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, आई लव यू दोस्तों, बाय।